नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर्म योग का अध्ययन किया था और आज हम ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि चतुर्थ अध्याय है। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं, अध्ययन करते हैं हम। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा है, अर्थात ये जो भगवान जी ने कहा है, ये अर्जुन से कहा है कि सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वासु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तब अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तब भगवान जी कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं आजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही वो प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध स्वार्थ नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे ज्ञान रूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह है, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसीलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाता हूँ, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है,
ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणी की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा ज्ञान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति कर जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो ये लोक है और न ही परलोक है और न ही उनमें सुख है। हे धनंजय, जिसने संपूर्ण कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके
समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तदस्य द्वितीय श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद शुभ ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। तो दोस्तों, आज हमने अध्ययन किया श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय का, जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।